बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? भाई ठीक होंगे? मैं भी ठीक हूँ, शुक्र अल्लाह पाक का। शाम का टाइम है और शाम टाइम हम करने लगे हैं कुकिंग, और मौसम काफ़ी अच्छा है। और आज सुबह से ही हमारा काफ़ी बिजी डे गुजरा है। बस अभी बच्चे गए हैं ट्यूशन पढ़ के, तो अब हम करने लगे हैं कुकिंग, रात का खाना बनाने लगे हैं। चले स्टार्ट करते अपना आज का व्लॉग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अभी शाम का टाइम है और बच्चे जो है अभी पढ़ के गए हैं, तो मैंने कहा चलो शाम का खाना बना लेते हैं। और आज जो है हम शाम के खाने में बना रहे हैं गोश्त करेले का सालन। और अम्मी जी ने सामान वगैरह सारा मुझे रेडी कर दिया, अभी जो बस मैंने खाना बनाना है। और यहाँ पे जो है करेले मैंने लिए हैं, तकरीबन 1 किलो करेले थे। और ये देखिए ज़रा इस साइज़ के ना, इसके बीज वगैरह मैंने निकाल दिए थे अम्मी जी ने, और इस साइज़ के काट दिए करेले। इसे कितनी प्यारी शेप में काटे हैं ना। हाँ, ये शेप है इसकी करेलों की, देखिए जरा इतने बहुत ही ज़बरदस्त, ना मोटे ज़्यादा कटे हैं ना बारीक है, दरमियाना से साइज़ है। और साथ में जो है ये प्याज वगैरह काटा हुआ है, प्याज भी इस साइज़ का है। और साथ में जो है ये लहसुन वगैरह रखा हुआ है, और साथ सब्ज़ है, और दो दटली हैं, इसके साथ काफ़ी टेस्ट बन जाएगा। और साथ में जो है तकरीबन 300 ग्राम जो है वो चिकन है, वो डाले के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। साथ ये जो है वो चेंज हो जाता है, माशाल्लाह से गैस तो आ गई है, अभी जो है इतने हैं चूल्हे पे। अभी जो है सबसे पहले करेले फ्राई करेंगे, और सारे करेले जो है फ्राई करके निकाल देंगे, उसके बाद में जो है फिर प्याज वगैरह करूँगी ब्राउन। सबसे पहले करते हैं करेले फ्राई। और वैसे भी ये डिश खानी चाहिए, और जिनके दाने वगैरह निकलते हैं, क्योंकि मतलब कि इसका जो होता है ना, वो तस्वीर वगैरह गर्म होती है करेलों की, और इसके साथ जो है वो दाने वगैरह भी नहीं निकलते। इसका अगर करेले का जूस पिया जाए तो बहुत ज़्यादा बेटर होता है, स्किन को जो है बहुत ज़्यादा फ्रेश रखता है। तो वैसे भी करेले मज़ेदार लगते हैं, है ना, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी जैसे ही ऑयल वगैरह गर्म होता है, घी गर्म होता है, तो इसमें डालते हैं करेले। Thank you.
करेले जो है देखिए जरा मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं माशाल्लाह से, और देखिए जरा काफ़ी ज़्यादा ये श्रिंक भी हो गए हैं और करेले हमारे फ्राई हो गए हैं। और अभी जो है प्याज वगैरह ब्राउन कर दिया मैंने, अभी जो है सबसे पहले प्याज वगैरह करते हैं ब्राउन। शाम टाइम जो है वो गैस बिल्कुल आई होती है, दोपहर टाइम जो होता है वो इतना ज़्यादा गैस का प्रेशर नहीं होता, और शाम टाइम जो है काफ़ी तेज़ होती है गैस फुल प्रेशर पे आई। आज मैं बना रही हूँ तेरे गोश्त का सालन, है ना मोहम्मद जुमान, खाना है आपने? जुमान तेरे गोश्त का सालन खाना है आपने? और यहाँ पे ये देखिए चिकन भी है, चिकन हमारे पास बोनलेस है, और चिकन की जो है मैंने इस तरह क्यूब्स वगैरह कर लिए हैं, चिकन के साथ ना बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट हो जाता है, ज़रा चेंज हो जाता है सब्जी का ज़रा टेस्ट। अभी तकरीबन 6-7 मिनट लगेंगे और प्याज जो है हमारे ब्राउन हो जाएंगे, और देखिए जरा बाहर अंधेरा सा हो गया है और बादल भी हल्के हल्के आए हुए हैं, देखिए जरा। इसमें जो है मैंने दो जो है शिमला मिर्च और वो सॉरी सब्ज़ मिर्च होती है मैंने डाल दी इसमें, ये थोड़ा ब्राउन हो जाएगी और काफ़ी इसके साथ मज़े का टेस्ट ज़रा हो जाएगा। देखिए जरा प्याज वगैरह हमारे ब्राउन हो गए थे, तो मैंने जो है इसमें ये टमाटर वगैरह डाल दिया था, और तकरीबन जो है मैंने टमाटर को 2-3 मिनट जो है पकाया है, और अभी जो है इसमें डालते हैं चिकन। अब चिकन कितनी देर हम पकाएंगे? तकरीबन 15 मिनट इसको भूनोगे इस तरीके से ताकि जो है वो जो है वो तरीके से ब्राउन हो जाए। हमारा चिकन ब्राउन हो गया है, और अभी जो है इसमें मैं डालने लगी ये देखिए ज़रा लाल मिर्च है, हल्दी है, और साथ में नमक है, और साथ में जो है ये मैंने मसाला कूटा है, ये सूखा धनिया है, और साथ में जो है ये जीरा है इसको कूट लिया, ये डाल देते हैं मसाले के साथ, फिर बहुत मज़े का टेस्ट आ रहा है ना। अब कितनी देर की बुनाई करनी है? अभी तकरीबन जो है 10 मिनट तक इसको भून लें तरीके से, और उसके बाद में इसमें करेले वगैरह ऐड कर देंगे, अभी इतना टाइम नहीं लगना, जल्दी हो जाना हमारा सारा तैयार। अभी जो है इसमें मैं करेले डालने लगी हूँ, और सालन जो है तकरीबन हमारा रेडी हो गया है, और तकरीबन 3-4 मिनट है, अभी है इस तरीके से इसकी मिक्सिंग करते हैं। और देखिए जरा ये हमारे सालन की जो है माशाल्लाह से फाइनल लुक है, और बहुत ज़बरदस्त देखिए जरा बना है। रात का टाइम है, खाना हमने खा लिया है, बहुत ही मज़ेदार मेरी सिस्टर ने खाना बनाया था और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया, और अब मैं नीचे आ चुकी हूँ, टीवी वगैरह देखते हैं सब मिलके, और इसके साथ ही मैं अपने इस व्लॉग का करती हूँ एंड। आई होप आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद आए, अगर आपको मेरा ये आज का व्लॉग पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।